अफवाह कुछ भी हो, कितनी भी शक्तिशाली तंत्रों के माध्यम से फैलाया जा रहा हो, उसकी उम्र बहुत ही कम होती है। दलित नेता राकेश पासवान हत्या मामले में प्रशासन की तरफ से हो रही कार्रवाई इस बात को साफ साफ बयान कर रही है। लालगंज थाना अध्यक्ष अमेंद्र कुमार के निलंबन के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक 4 हत्यारों में से एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। खबर शुरू करने से पहले एक अपील कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका हमें इंतजार रहेगा। अब खबर शुरू करते हैं। विगत 13 अप्रैल को वैशाली जिले के लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की हत्या कर दी गई थी। उनके दरवाजे पर ही बाइक सवार 4 अपराधियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। परिवार की तरफ से दर्ज शिकायत में आदित्य कुमार, पिता विपिन ठाकुर का और 3 अन्य लोगों का जिक्र किया गया था। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी शुरू हो गया था। सर छापेमारी का सिलसिला जारी था, जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। हत्या के आज लगभग 12 दिन के बाद अखबार में यह खबर छपी है जिसके अनुसार 4 आरोपियों में से एक आरोपी शशिरंजन ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बतौर सदर SDP ओम प्रकाश, मुख्य आरोपी आदित्य ठाकुर के साथ जो 3 अन्य लोग थे उसमें उसका चाचा शशि ठाकुर भी शामिल था, जिससे पूछताछ की जा रही है। अखबार में छपी खबर के अनुसार वैशाली पुलिस ने मुख्य आरोपी पोसिया गांव निवासी आदित्य ठाकुर के चचेरे चाचा शशिरंजन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज ठाकुर का बेटा शशिरंजन ठाकुर दूसरे राज्य में रहकर किसी दवा कंपनी में MR का काम करता था। पिछले 2-4 दिनों से उसका मोबाइल बंद बता रहा था। ऐसे में उसके परिजन, उनके परिवार वाले उसका हाल चाल जानने के लिए बेहाल थे। शशिरंजन ठाकुर आदित्य ठाकुर के साथ उस बहुचर्चित हत्याकांड में घटना के दिन साथ में था, जिसकी पहचान मृतक राकेश पासवान के परिजनों ने की है। इस खबर की जानकारी देते हुए सदर SDP ओम प्रकाश ने बताया है कि घटना के दिन आदित्य ठाकुर के साथ जो 3 अन्य लोग थे उसमें से एक शशि ठाकुर भी था, जो उसका चचेरा चाचा है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर फिर चौक चौराहा पर गए और अगर वहां पहुंचे, बैठ गए, तो एक तंत्र है जो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि फलनवा ही तो मरवाया है। तो इस फलनवा चिरनवा के बात से आगे बढ़िए और जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं, जो पुलिस कह रही है, जो जांच प्रक्रिया कह रही है, जो परिवार वाले कह रहे हैं, उस खबर को देखिए, उस खबर को सुनिए और उस पर विश्लेषण कीजिए। ध्यान भटकाकर राजनीति की रोटी सेकने के लिए मसला बहुत है लालगंज में। देखिए, हकीकत का लगभग अनुमान सबको है, आम जनता सब जानती है, क्योंकि अपराधी भी उन्हीं के बीच का है, अपराध का शिकार होने वाला भी उन्हीं के बीच का है और जिसको हत्यारा घोषित कर देने की कोशिश की गई वह भी उन्हीं के बीच का है। जनता हर किसी के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ है, बचपन से जानती है और उसके रग रग से वाकिफ है। इंसाफ चाहने वालों को कानून के साथ अब तक के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद करते हुए उनके आगे की कार्रवाई में उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि राकेश पासवान के साथ साथ हर उस दलित को, उम्मीद को इंसाफ मिल सके जो इस भय में अब जी रहा है कि आगे भविष्य क्या होगा। खबर का अगर बैकग्राउंड आपको बता दें तो 13 अप्रैल 2023 की शाम लालगंज में पचदमिया गांव निवासी दलित नेता राकेश पासवान की उनके दरवाजे पर जब वो बैठे हुए थे, अचानक से 2 मोटरसाइकिल पर 4 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गोली मारने से पहले एक ने राकेश पासवान को प्रणाम भी किया था, जिसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई थी। इसके बाद घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के भाई सह पूर्व जिला परिषद सदस्य मुकेश पासवान द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर लालगंज थाना ने की दर्ज की है और उसके बाद उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, छापेमारियां की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आए कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम आपके पास लेकर जरूर आएंगे। पूर्व से लेकर अभूतपूर्व नेता तक का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन इन खबरों को चलाकर हम उनकी TRP टाइट करने का शौक नहीं रखते हैं। राकेश पासवान के साथ साथ दलित नेता के उम्मीदों को इंसाफ मिले, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। खबर पसंद आए तो खबर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों, परिजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाश वाणी।